तो देख सकते हैं ये वाराणसी का सारनाथ थाना है। यहाँ पर आकांक्षा दुबे की माँ, उनकी फैमिली वाले आकांक्षा दुबे को न्याय मिले इसलिए धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उनकी माँ आई। यहाँ पर जो कुछ होता है सभी चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और गिरफ्तारी के भी हमारी टीम गठित की गई। सर एक लड़के को गिरफ्तार की गई थी किस आधार पे, उसको छोड़ दिया गया तो 17 मिनट रूम में मिला था ऐसा बताया जा रहा है, कोई साक्ष्य के बजाय सर जो सब बोलिएगा जो पहले साधन थे वो कई सारे इससे जो हमारे जो मैनुअल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं उसका भी कई लोगों को सभी जो है साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, पूछताछ के क्रम में कई लोगों को बताया जा रहा है। कोई भी बोल सकता है कि हम इसमें नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो पेठा का मोबाइल है वो उसको भी इकट्ठा किया गया है, उनका एड्रेस भी दिखाया गया है और जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर। अभी तक कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप कहाँ दे गई है वो सर, मैं गुहार लगाती रही कि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए और मोबाइल चाहिए, किसी नहीं मिला इनको। अभी सारी जानकारी मैंने साझा कर दी गई। अभी क्या उम्मीद है सर, कब तक हो सकता है क्योंकि आज गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए हुए थे और अभी हमारे बीच में जो है कैम एसीपी आए हुए हैं, हमारी बैंड के बाद हुई है परिजनों के साथ में, अधिकारियों के साथ में जो है यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन मिला है। आप आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमारा पूरा जहाँ तक लगेगा, जहाँ बातें आएंगी, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो सहयोग रहेगा, बारीकों पहलियों पे हम लोग बैठे रहेंगे, बात करेंगे। हमको भी पूरा आश्वासन है, आश्वासन जैसा दिया गया है कि जल्द से जल्द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है जल्द से जल्द तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक भी बैठेंगे परिवार को लेकर। अभी अभी आपके द्वारा एसीपी के द्वारा एसीपी सर के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। जहां आवश्यकता पड़ेगी मदद का, जो बातें रहेंगी बारीकी ये पहलियों पर, इन्होंने नंबर भी साझा किया है, हमारी डीआईजी सर से भी बात हो रही है, सभी अधिकारियों और एक बात और है कि मतलब जितना मतलब जो भी बातें तो आ रहे हैं तो वो तो है ही बातें, लेकिन हम लोग बस एक ही चीज बहुत बारीकी से देखे हैं कि जिस हिसाब से हमारे परिवार को संतुष्ट किया गया है हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग एक ही बस मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, और सर से आग्रह भी कर रहे हैं कि उतना जल्दी उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए और रोने की अब ताकत नहीं रही। आप लोग पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं हुई, हमारी प्रशासन से कोई बात नहीं हुई, इसलिए संतुष्ट हम लोग अब संतुष्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, की हम लोगों की बात कोई भी सीनियर अधिकारियों से नहीं हुई थी, हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं मिला था। अभी जो एसीपी साहब के द्वारा सभी बारीकियों पूर्वक हम लोगों को जानकारी दी गई, हम लोग पूर्णतः सहमत है। जैसा कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है सिद्ध पूर्वक तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बैठे हैं, सभी लोग हम लोग लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले कभी थाना प्रभारी आपके घर गए थे? नहीं, ऐसा है, वो ऐसा है, देखिए ये जनपद गृह जनपद का मामला नहीं, ये आपके भदोही जनपद का मामला है। तो यहाँ के जो सीनियर अधिकारी है परिवार के टच में थे जो है, और यहाँ पर जो लोग भी आए हैं आश्वासन भी दिए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, यह धरना करने का मात्र उद्देश्य यही था कि परिवार को न्याय मिले, बस अपराधियों की अतिशीघ्र जो है गिरफ्तारी हो। हम लोग न्यायपालिका को अगर धारणा नहीं होता तो इसी तरह के इसको पेंडिंग में लगा जाएगा। चार से पांच, आज मैं दो दिन से लगातार मैं चिल्ला रहा था कि सर तक हमारी आवाज पहुंचे, और आज हम बहुत संतुष्ट हैं कि सर तक हमारी आवाज पहुंची है और आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। सीबीआई जांच की मांग भी आपने अगर न्याय नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है अभी तक जो पुलिस से बातें हुई हैं, पुलिस से बातें करने के बाद क्या हमको 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन मिला है, और अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग बड़े स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आंदोलन जारी रहेगा। 24 घंटे में बोला गया है कि 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे पहले भी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आप आकांक्षा दुबे जिनका साफ कहना है कि पुलिस द्वारा आश्वासन और सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, सीबीआई की जांच मैंने मांगा है।
अभी नहीं होता ये लोग कर सकते, मैं सी आई जांच मांग रही हूँ। लेकिन आज से पुलिस ने तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है कि वो विदेश में। हाँ तो अच्छा ही किया, मेरे लिए तो अच्छा ही बोला ना, हमको तो अच्छा लगा सुन के। विदेश में गिरफ्तारी हो जाए बस, लगभग छह दिन हो गए थोड़ा। तो अभी तक क्या आपको लग रहा है कि क्या ढीली है कि क्या है? अभी मुझे तो नहीं लग रहा है, विश्वास भरोसा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने मुझसे बात की, मुझे थोड़ा उनके ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। बोले हैं तो विश्वास भरोसा रखती हूँ, नहीं होगा सकती माननीय मुख्यमंत्री तक। तो आज आप लोग सारनाथ क्यों आए थे? संतुष्टि नहीं थी, मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए आए थे। कभी कैसे ढूंढ रहे हो आप आरोपी, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। आप 24 घंटे अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे अपनी बातों को लेकर, बड़ा आंदोलन करेंगे। संजय सिंह उसका सगा भाई नहीं है, रिलेटिव में है उसका, संजय लखनऊ में रहता है, बचाने का काम कर रहा है। इसका जो पूरा प्रोड्यूसर कौन सा कंपनी है ये संजय सिंह ही चलाता है, समर सिंह। हाँ समर सिंह का वही चलाता है, मैनेजर है, मैनेजर वो है, क्या नाम है, अफजल, मैनेजर अफजल है उसका। लेकिन ये कौन सी कंपनी है प्रोजेक्ट उसका, ये संजय सिंह चलाता है, माने कोई उसका प्रोड्यूसर कंपनी है, वो ये चलाता है। और लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से समर सिंह के रूप में, समर सिंह को तो डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि समर सिंह से मतलब वो ये काम साथ में रहती थी या फिल्म बनाती थी या सेट पर काम करती थी, पैसा नहीं दिया गया, तो संजय सिंह तो बाहर से है, तो संजय सिंह का नाम कोई एविडेंस या कुछ है आपके पास जिस प्रकार से? हाँ। संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए पुलिस के द्वारा? प्रूफ है भैया, दोनों को दिया गया है पुलिस द्वारा, मिलकर टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था और मां के द्वारा अभियुक्त दर्ज कराई गई, पंजीकृत है, हमको अतिशीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है, हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं और हमने बातों को माना नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है 24 घंटे बाद, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और ये आंदोलन यही खत्म नहीं होने वाली, ये आंदोलन बड़े स्तर पर होगा, शासन प्रशासन की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम न्यायपालिका पर भी भरोसा कर रहे हैं, इसलिए बातों को माने हैं और हमने मौका दिया है कितने दिन के अंदर गिरफ्तार करने का। तीन मांगों को 2 मिनट का मंजूर कर दिया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जी हाँ, आप बेशक देख सकते हैं आकांक्षा दुबे जी के माँ और उनकी फैमिली यहाँ पर अपना बयान दिए हैं और 24 घंटे का समय मिला है, यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, यथाशीघ्र गिरफ्तारी होगा और हम शासन प्रशासन सीनियर अधिकारी से बात करें, क्योंकि अभी तक हमारी कोई बात नहीं हो पाई थी, हमारी DIG से भी बात हुई थी कि उन्होंने अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया था। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, SBI के द्वारा यहाँ सीनियर अधिकारी द्वारा आया गया है, हम लोगों को अतिशीघ्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी। हाँ रुक जा, अच्छा दो सवाल रहेगा हमारा, जो कि सवाल आप लोगों का अभी था धरना आप लोग कर रहे थे, सवाल था, पहला सवाल ये है कि जो मोबाइल था आकांक्षा दुबे का और वो उस समय किसी पे एक उस समय वो किसी पे कॉल भी कर रही थी और उनका कॉल, ये जांच का विषय है, विधि प्रयोगशाला में भेजी गई है, एक हफ्ते में सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद जो भी बातें होंगी प्रशासन के साथ शेयर करेंगे। मैं वही बोली कि मेरी रानी के मोबाइल खोली जाए, गायब नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताया, सारा सबूत मेरी मोबाइल से, बताया जा रहा था कि उस कमरे में जब वो लाई भाई थी तो और भी कोई लोग था। हाँ, जांच का विषय जांच किया जा रहा, पुष्टि नहीं, CCTV कैमरा, CCTV फुटेज मंगाया गया है, ये जांच का विषय मैं जानता हूँ, मैंने ये बोला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच कराए, सारी चीजों को क्लियर कर ले, पता है क्या जो पहले जिससे पार्टी में गई थी कहां पार्टी था और किसका पार्टी, अभी वो जानकारी नहीं है, वो जानकारी नहीं है, जांच का विषय जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। बाकी तो यहाँ पे देख सकते हैं आकांक्षा दुबे जी की माँ कार में बैठ चुकी हैं और यहाँ से जा रही हैं घर। तो यहाँ से चलते हैं आकांक्षा दुबे जी के घर पर, उनकी माँ उनकी फैमिली वाले यहाँ से जा चुकी हैं, अब उनके घर पर चलते हैं और वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटे के निशान होगा उसको भी जोर दबाइएगा।